बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय वशिष्ठ भाई, पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, माननीय मंत्री सुनील जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, राज्यों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, राष्ट्रीय परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण और इस सभागार में उपस्थित आप सभी साथीगण, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझको सौंपी। पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी उन्होंने मुझको सौंपी है, लेकिन इस काम को हम अकेले नहीं कर सकते। इस काम को पूरा करने के लिए और जो लक्ष्य उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब तक आप सभी साथियों का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा, हम उसको नहीं कर सकते। पार्टी एक आदमी नहीं चलाता। पार्टी का कोई अध्यक्ष होता है तो पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ उनका साथी होता है जो मुख्य साथी करता है, बाकी पार्टी के जो सभी सम्मानित साथी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो सभी पार्टी के नेता होते हैं, वही पार्टी को चलाते हैं। और मैं आपको भरोसा यह दिलाता हूं कि मैं पार्टी के सभी पुराने साथी का सम्मान करते हुए नए साथियों को जोड़ने का काम करूंगा, यह हम आपको भरोसा दे रहे हैं। इसलिए साथियों कि हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है, आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए कि देश आज अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, उसने अघोषित रूप से सभी संस्थाओं का पर कब्जा करके और उसको अपने नियंत्रण में कर लेने का काम, और जब ऐसा नियंत्रण होता है तो देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में होता है। अधिनायकवाद की तरफ इमरजेंसी का दिन हमको याद आता है, 1974 के आंदोलन का दिन हमको याद आता है। हम सब लोग आदरणीय वशिष्ठ दादा, हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम बहुत लोग इसमें हैं जो सब लोग 1974 के आंदोलन में थे, और उस समय की जो परिस्थिति थी आज उससे काफी ज्यादा बदतर स्थिति है। और इसलिए हम कह रहे हैं, जितनी संस्थाएं, CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, आप इतिहास उलट के देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों का इतिहास उलट के देख लीजिए कि जितने राज्यों में विपक्ष के नेता रहे हैं, जिन्होंने भी केंद्र की सरकार का विरोध किया है, उनके यहां CBI, ED और इनकम टैक्स घुसता रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो है, उस सब लोग दूध के धुले हुए, काम कुछ नहीं हो रहा है। जो देश की मूल समस्या आज है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, इसलिए कि काम उन्होंने कुछ किया नहीं है पिछले 8 वर्षों में। देश की मूल समस्या है आज महंगाई,
देश की मूल समस्या है आज बेरोजगारी, जो वादा उन्होंने किया था 2014 के लोकसभा के चुनाव में। 2014 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने क्या कहा था? प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे। 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों का रोजगार का हिसाब भी तो देना चाहिए। नहीं देंगे, देना भी नहीं है, और नहीं देना है इसलिए अपना मार्केटिंग और प्रचार तंत्र को जितना मजबूत कर सकते हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। और ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने का काम दिन भर चलता रहा, इसलिए कि देश को बांटने की उनकी मंशा है। देश के जो लोग हैं, देश के अंदर विभेद पैदा करने की उनको उनकी योजना है। हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, ये सारा तंत्र वो चला रहे। ये कौन चलाएगा? जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिसको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। आपने कहा कि 2014 में कि जब हम सत्ता में आएंगे, हर घर में 10 लाख, हर गरीब के घर में 10 से 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा। अरे भाई, 2-4, 10 ठो का भी तो नाम बताओ जिसके घर में 15 लाख रुपया पहुंचा दिया आपने। एक को नहीं पहुंचाने का काम तो देश की जनता हिसाब नहीं माने, इसलिए पूरे देश को भटकाने का काम किया जाए। आज लोकतंत्र खतरे में है। सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर उनका कब्जा है, अघोषित रूप से कब्जा है। और एक था पहले चौथा स्तंभ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, मीडिया। वो चौथा स्तंभ भी हिला दिया, उस पर भी कब्जा कर लिया। आज जितने मीडिया हाउस हैं सभी पर पूंजीपतियों का, इस देश के पूंजीपतियों का कब्जा है, और इसलिए एक खबर नहीं छपेगी। भाई आप हिमाचल में हार गए, आप सत्ता में थे, आप दिल्ली के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हार गए, उसकी कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। कहीं मीडिया में उसकी चर्चा नहीं देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बुरी तरह पराजित हो गई। दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में सारा कर्म कुकर्म करने के बाद भी पराजित हो गई, उसकी चर्चा और उसका विश्लेषण मीडिया में नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड 3000 वोट से कुढ़नी में हार गई तो देश भर के अखबार में उसकी चर्चा हो रही है। यही है मीडिया की निष्पक्षता। ये मीडिया के जो साथी यहां बैठे हुए हैं ये भी कुछ लिखेंगे, बहुत हिम्मत करके अगर कुछ लिखेंगे भी तो उसको फाड़ के रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा, और जो ऊपर से निर्देश आएगा वही लिखा जाएगा, वही चपे। ये है लोकतंत्र, ये है प्रजातंत्र। तो ये कहां जा रहा है देश? और इसी संदर्भ में, इसी बैकग्राउंड में हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का फैसला किया और महागठबंधन में बिहार में शामिल होने का इन्होंने फैसला किया। यही कारण है, क्योंकि देश नेता ने इस बात को महसूस किया कि आज देश के सामने चुनौती है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है, और इसलिए इन्होंने यह फैसला किया। हमारे नेता, कई साथियों ने कहा, आप भी बहुत प्यार से कहते हैं भाई हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है, और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है इनको, एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बनाए। आप शुरू करिए साइकिल योजना से, आप शुरू करिए पोशाक योजना से,
आप शुरू करिए अति पिछड़े वर्ग को और महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण देने से लेकर हर घर बिजली पहुंचाने तक, हर घर नल का जल पहुंचाने तक। क्या है आज बिहार में, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई, तो कई राज्यों के लोग आए यहां और कई राज्यों के लोगों ने आके देखा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या चमत्कार कर दिया, नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या परिवर्तन कर दिया। यहां से देख के गए उन लोगों ने अपने अपने राज्यों में उसको लागू किया। भाई नीतीश कुमार जी ने जब महिलाओं को 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में दिया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जब 20% आरक्षण उन्होंने दिया, बिहार पहला राज्य था पूरे देश में, और वह नजीर बना है। आज अन्य राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। और वो क्या हुआ इस बार का जो चुनाव हो रहा था नगर निकाय का, तो नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो षड्यंत्र किया, हमने देखा अभी जब गुड़हन्नी का उपचुनाव हो रहा था, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो छपास रोग से ग्रसित रहते हैं, अगर रोज सुबह उठ के अपना नाम वो अखबार में नहीं देखेंगे उनको मन नहीं लगता और दिन भर उनका खराब हो जाता है। लेकिन व्याकुल है बेचारे, व्याकुल है कि कुछ उनको मिल जाए। हम लोग की भी शुभकामना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहुत दिन तक सहयोगी भी रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बहुत अच्छे रिश्ते भी उनके रहे, तो हम सब लोगों की शुभकामना है। आपको जितना मन करे गाली देते जाइए और कहीं कुछ मिल जाए तो भी हम लोगों की शुभकामना है, गाली देके भी तो कुछ पा लीजिए। हमने देखा कि वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देख लो भाई नगर निकाय का चुनाव घोषित हो गया है, आप लोग प्रचार मत करना, सबका पैसा बर्बाद हो जाएगा। चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से औंधे मुंह गिरे हैं, अब बोलती नहीं वो निकल रहा है। हमने पहला दिन कहा था कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को छू नहीं सकता है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को छू नहीं सकता। तो इसलिए हमारे नेता में काम करने की क्षमता है, हमारे नेता में दिशा है, दृष्टि है। देश चलाने के लिए आप क्या चाहिए, देश चलाने के लिए और क्या चाहिए? आज जो देश चला रहे हैं उनकी कोई दशा और दृष्टि है क्या? उनकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है। आज कभी एक बार चर्चा करते हैं कि इस देश में जो महंगाई बढ़ी है उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस देश में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, रोजगार घटाया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। हवाई अड्डा से लेके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेके नेशनल हाईवे तक का निजीकरण किया जा रहा है। रोजगार घट रहा है कि रोजगार बढ़ रहा है? तो ये देश चलाने का तरीका। तो इसलिए साथियों हम आपसे आग्रह करेंगे कि ये चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया है। अगर मैंने स्वीकार किया है तो आपके भरोसे और आपके ताकत के बल पर और आपके सहयोग के बल पर हमने इसको स्वीकार किया है। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सबों का सहयोग मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ने कहा है राष्ट्रीय पार्टी बनाने का की जिम्मेवारी दी है, तो नागालैंड में चुनाव हो रहा है, फरवरी मार्च में चुनाव होगा और हम सबको ये उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी 2018 में नागालैंड में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और हम लोगों ने जब नागालैंड में चुनाव लड़ा था तो वहाँ 5.6% वोट हम लोगों को आया था। राज्य में मान्यता पाने के लिए 6% वोट की जरूरत होती है, 0.4% से हम लोग पीछे रह गए थे। हम लोगों का इस बार पूरा प्रयास है कि जो नागालैंड राज्य में मान्यता प्राप्त करने के लिए जितनी वोट की जरूरत है वो सब हम लोग पाए इस चुनाव में, और नागालैंड में हमारी पार्टी को
राज्य का दर्जा मिले, और जब चार राज्य का दर्जा हो जाएगा तो हमारी राज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी। तो हम लोग का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। नागालैंड हम गए थे, हम दोबारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे जयप्रकाश नारायण जी की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन, और हम लोगों ने वहाँ जाके स्टेट पार्टी जो है वहाँ बहुत ही सक्षम स्टेट पार्टी है, सक्षम वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है, वो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके हमको पूरी उम्मीद है कि नागालैंड के इस बार चुनाव में हम लोग जो 6% के वोट का लक्ष्य है वो आप करेंगे। तो इसलिए हम सब आपके भरोसे, आपके भरोसे और आपके सहयोग के भरोसे हमने इस पद को स्वीकार किया है, इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया है, और इसलिए आपसे हम आशा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि कंधा से कंधा मिलाकर हम सब लोग चलेंगे तो नीतीश कुमार जी की पार्टी को पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश, अरे बिहार में तो ऐसे भी जब चुनाव होगा तो 40 में वो कहाँ से जीतेंगे। जो कुड़हन्नी के चुनाव में 3000 वोट से हार गया हम लोग, उसका कई कारण है, उस पर अभी हम जा ही नहीं रहे, लेकिन बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और 2024 का किला पता करेंगे। एक जितना डुगडुगी बजाते रहते हैं, जितना ये घंटी बजाते रहते हैं, ये इतना बजाते रहते हैं जैसे लगता है कि बहुत भारी बहुमत है। अरे कितना बहुमत है भैया, 303 का ना बहुमत है, तो 303 में 272 चाहिए, तो 31 को ना ज्यादा है, तो बिहार में 17 और 6 23 है, 23 साफ हो जाइएगा तो 8 को ना घटना है। मध्य प्रदेश में सबका सब है, राजस्थान में सबका सब है, तो घाटवे न करिएगा कि रबड़ है उसको बढ़ा दीजिएगा, और जितना सीधवा उतनी है तो उसमें से दूध को चर चर को हर राज्य में घटिएगा तो आपका 2024 भाजपा मुक्त देश बनेगा, भाजपा मुक्त भारत बनेगा, और नीतीश कुमार जी जिस काम में लगे हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगे हैं, हम सब लोगों की शुभकामना है उनके साथ, हम सब लोगों का समर्थन उनके साथ है कि आप विपक्ष को एकजुट करिए और 2024 में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करिए, इस लक्ष्य को आप प्राप्त करिए। तो इसी शब्द के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ